वाणी सदा सत्य, साई की वाणी चिरंतन सत्य थी। एक बार फाल्गुनी पूर्णिमा के प्रातःकाल साई ने हेमांड पंत को स्वप्न दर्शन दिया और कहा कि आज होली का दिन है, मैं तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगा। कहां शिरडी, कहां डहाणू, कैसे आएंगे, सहज विश्वास नहीं होता। भोजन के समय साई की तस्वीर हेमांड पंत के घर पहुंची। बाबा तस्वीर के रूप में पधारे। तो आइए, साई वाणी सदा सत्य है, इसका गायन और पारायण करते हैं। सदी बीसवीं चल रही, सत्रहवां था साल, दिवस फाल्गुनी पूर्णिमा बेला प्रातः काल। शीतल मंद बयार थी, हुई नहीं थी भोर, शांत क्षितिज का छोर था, कहीं नहीं था शोर। निद्रा में हेमांड पंत सोए थे तल्लीन, सुबह सुबह है स्वप्न में साई दर्शन दीन। साई बोले आज है होली का त्योहार, भोजन करने आऊंगा मैं तेरे घर द्वार। नींद खुली है मांड की, खुला स्वप्न का जाल, साई जो थे सामने लुप्त हुए तत्काल। याद रही है मांड को सपने की वह बात, सोचा समझा गौर से हिला हृदय का पात। बिस्तर से वे उठ गए, गए नार के पास, बात बताई स्वप्न की मन में भर उल्लास। सुना नार ने गौर से खिला न मुख पर हास, आखिर बातें स्वप्न की कौन करे विश्वास। कहा नार ने प्रेम से नामुमकिन यह काम, यहाँ पहुँचने तक उन्हें ढल जाएगी शाम। अपना घर दहाड़ू में साई शिरडी धाम, क्यों आएंगे वे यहाँ जग में जिनका नाम। लोग चढ़ाते हैं उन्हें फल में वे मिष्ठान, कैसे साई खाएंगे अपना रूखा धान। भरता है जो झोलिया दाता साई महान, अर्पित उनको क्या करे एक तुच्छ इंसान। सपना सपना ही रहे यह निद्रा का खेल, है यह कोरी कल्पना फले न इसकी बेल। यह सुनकर है मांड ने कहा बात है ठीक, लेकिन सपना साई का है लोहे की लीक। बाबा आ जाए यहाँ चल कर इतनी दूर, नामुमकिन हर काम को मुमकिन करे जरूर। किसी भक्त को भेज दे शायद अपने पास, निश्चित कोई आएगा इतना है विश्वास। चाहे आए कोई भी अपने घर इंसान, मैं समझूंगा बस उसे सदगुरु साई समान। पूर्ण हुई तैयारियां बने कई पकवान, आने वाले आ गए मित्र और मेहमान। बिछ गई थी पत्रावली, भोजन दिया परोस, जल डाला जल पात्र में, पंगत में था जोश। दो पंगत में थे जमे आगंतुक सब लोग, साई का अब तक मगर मिला ना उनको योग। साई आसन थाल का आगे पीड़ा डाल, लेकिन वे आए नहीं बीत रहा था काल। आंखों में ही मांड के लगी हुई थी प्यास, दिन के बारह बज रहे टूट रही थी आस। बंद किया है मांड ने घर प्रांगण का द्वार, कुंडी चढ़ी की वाड़ पर हटा न मन का भार। अन्न शुद्धि के वास्ते घृत वितरण का काम, पूर्ण किया है मांड ने लेकर हरि का नाम।
सुखदेव को आहुति देनी होगी आज। अर्पित कर नवैद को पूर्ण किया हर काज। अब तो केवल शेष था मुख में रखना कौर। आने की आहट हुई किया सभी ने गौर। बड़ी कान है मांड के खटखट की आवाज। आने वाला कौन है क्या है उसको काज। आए थे दो आदमी पूछ रहे थे नाम। राव साहब से मिल सके उनसे है कुछ काम। भोजन करने के लिए उत्सुक थे मेहमान। हाथ सभी के रुक गए खड़े हो गए कान। उत्सुक हो है मांड ने खोला घर का द्वार। दो अजनबियों से हुआ उनका साक्षात्कार। बोला एक है मांड से लाया कुछ सामान। आप इसे अब ठीक से रख ले मेहरबान। इसके पीछे है छिपा बहुत बड़ा एक राज। आगे कभी बताऊंगा जल्दी में हूँ आज। बंधा हुआ अखबार से उसने रख सामान। किया वहां से शीघ्र ही आगे को प्रस्थान। खोली जब ही मांड ने आगंतुक की भेंट। दिखा चित्र एक साई का जो था रखा लपेट। देखी जब ही मांड ने साई की तस्वीर। रोमांचित तन वो था वहां नयन से नीर। शीश झुका है मांड ने सादर किया प्रणाम। वादा पूरा कर दिया तुमने साई राम। पीड़े पर रख चित्र को जोड़े दोनों हाथ। स्थापित उनको किया विधि विधान के साथ। अर्पित करने वैद्य को रखा पास में नीर। शामिल थी अब भोज में साई की तस्वीर। साई लीला देख कर पुलकित थे मेहमान। सबने फिर भोजन किया सादर सह सम्मान। साई वाणी सत्य है शब्द शब्द में सत्य। सार्थक जो खुद ही करे संभव नहीं असत्य। देश काल हर हाल में असर वचन का देख। साई ने जो खींच दी अमिट सदा वह रेख। साई अलौकिक संत है मंगल उनकी छाव। कोई शेपक काल का डाल सके न प्रभाव। डाल सके न प्रभाव। डाल सके न प्रभाव।